हेलो, कैसे हैं? वेलकम टू राज मैथ क्लासेस। ठीक है, आज फंक्शन का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो पिछले लेक्चरों में हमने तुम्हें इनवर्स फंक्शन, ठीक है, बताया था। उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो बने थे, वो करवाए थे। ठीक है, अब डोमेन की बात करते हैं। हमने ग्राफिकल अप्रोच से आपको डोमेन बता दिया था। ठीक है, जो कर्व पूरे एक्स एक्सिस पर जहां तक फैला हुआ होता है वो उसका डोमेन होता है। ठीक है, हाँ, कर्व एक्स एक्सिस पर जहां तक फैला हुआ होता है वो उसका डोमेन होता है। और एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, कैलकुलेशन मेथड, उसको डिस्कस करते हैं। कभी कभी ग्राफ नहीं बन पाता है या नहीं फॉर्म हो पाता है, उसके लिए हमें ग्राफिकल अप्रोच आना, मैथमेटिकल इंडक्शन आना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका स्टेट के एग्जाम में इससे पूछा जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल अप्रोच से तो हम देखो एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं इसका। जैसे बाई ग्राफ, बाई ग्राफ, ग्राफ वाला देखो, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये है। तो इसकी जो ग्राफ बनती है वो ऐसे करके बनती है। ठीक है, तो ये जितना फैला होगा तो पूरे x एक्सिस पर जाएगा, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे x की उतना ही ग्राफ ऐसे करके इंक्रीज होगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे फैला हुआ होगा इसका। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ाओगे तो इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। ठीक है, हर फंक्शन का ग्राफ हमने आपको बताया है। और आज बात करते हैं कैलकुलेशन मेथड की। उससे देखो इसकी तीन चार पांच स्कूलिंग होती हैं। जैसे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ भी, जो भी कर्व दिए तुम्हारा फंक्शन दिया होगा, पहली रूलिंग ये होती है वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एफ एक्स गिवन है तो एफ एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, दूसरी बात, यदि नीचे अंडर रूट है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, या एफ एक्स इज ग्रेटर जीरो। तीसरी बात हमारी, यदि स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स है तो एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो के बराबर भी होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल जीरो। फोर्थ नंबर होता है, जैसे लॉग एफ एक्स दिया है तुम्हें तो एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, हाँ, तो ये चार रूलिंग हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग, ये रूल्स हैं तुम्हारे। ठीक है, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन, डोमेन प्राप्त करने के लिए चार रूलिंग हैं। दो रूलिंग और बचती हैं, उनको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, साइन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाली। पहले इनकी बात करते हैं। तो देखो इसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं इसमें जो एग्जाम में तुम्हारे में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, देखो ए पार्ट का आंसर लिखना है, ये यहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम ए पार्ट, किसका, ए पार्ट का। ए पार्ट कह रहा है फाइंड द डोमेन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चार ऑप्शन तुम्हें गिवन रहेंगे, ये टाइट PGT 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का देखो रेंज और डोमेन में सवाल आपको अवश्य मिलेगा।
कभी कभी 9 - x² करके उसका रेंज पूछता है, डोमेन पूछता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये माई हमारे पास गिवन है, माई प्लस टू 16 - x². अब देखो इसमें कौन सी रूलिंग फॉलो हो रही है, माई प्लस टू रूट 16 - x² है। तो ये रूलिंग हमारी थर्ड रूलिंग अप्लाई हो रही है, थर्ड रूलिंग अप्लाई हो रही है। तो ये एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर भी होना चाहिए 0 से, ठीक है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो ये देखो 16 - x² ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल, ठीक है, पॉजिटिव और इक्वल। अब देखो हमने इनक्वालिटीज आपको बताई थी, इंटरवल आपको बताए थे पिछले लेक्चरों में, वो नहीं आते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये x स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, -16, तो इनक्वालिटीज हमारी चेंज हो जाएगी। इसके फैक्टराइजेशन करो, x -4 और x +4, ठीक है, ये हमारे 30 पॉइंट दो बने। तो हम क्या करते हैं, ये भी कर बनाते हैं, तो ग्राफ यहाँ आया, यहाँ से ये निकल गया, ठीक है, ये बेबी कर्व आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ग्रेटर लेस इक्वल नीचे, लेस का मतलब नीचे, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या बिलोंग करेगा, -4 से 4, ठीक है, जो एक्स है वो बिलोंग कहाँ करेगा, -4 से 4। अब इक्वल और है तो क्लोज इंटरवल आएगा, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इक्वल टू -4 to 4, दैट इज आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बोले बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा, टीजीटी बेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको इरेज करते हैं भाई, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बी पार्ट। कौन सा पार्ट, बी पार्ट, बाई वस्तु एफ एक्स इक्वल टू 1/√9 - x². बहुत ही इंपॉर्टेंट डीजीटी पूछा गया क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 ऑप्शन कोई सा इसमें सही रहेगा। कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, सेकेंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये गड़बड़ हो गई इसमें, क्या गड़बड़ हो गई, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x²-9 हमारी चेंज हो गई। इसके फैक्टर कर दें, एक बार माइनस एक बार प्लस, बोले बेबी कर्व बना है, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट 3, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट -3, बोले ये -3 होगा, ये +3 होगा, +/+ इन्फिनिटी और ये -∞, ठीक है, यहाँ के बाद आए। तो लेस का मतलब एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है, -3 से 3। अब देखो क्लोज नहीं आएगा, इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल रहेगा, तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन इक्वल टू -3 से 3, -3 to 3, दिस इज आंसर। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे से मैं कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बी पार्ट था, ठीक है, ये बी पार्ट था, अब सी पार्ट की ओर चलते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट टू टू द पावर एक्स माइनस फाइव पे पावर एक्स एच, क्या है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट टू पे पावर एक्स माइनस फाइव पे पावर एक्स एच। इसका डोमेन पूछा है, ये पीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2016 में, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, थर्ड कंडीशन, कौन सी थर्ड कंडीशन फॉलो होगी इसमें, ठीक है। थर्ड कंडीशन तुम्हारी फॉलो होगी, थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी थर्ड, उसको लगा दें, देखो टू टू दी पावर एक्स माइनस फाइव के पावर एक्स इज ग्रेटर भी हो और इक्वल भी। तो देखो टू टू दी पावर एक्स फाइव पे पावर एक्स देख सकते हैं, इसको उल्ट है, उलट दे टू टू दी पावर एक्स, तो इनपुटीज भी चेंज हो जाएगी, वन अपॉन फाइव पे पावर एक्स। अब देखो इसमें चार ऑप्शन ऐसे करके पूछे हैं, एक्स लेस होगा, लेस इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू यदि जीरो भर के देखें, एक्स इक्वल टू जीरो भरा हमने, तो वन अपॉन टू टू दी पावर जीरो वन होता है, ये भी वन, तो ये बराबर होंगे, बात सही है। लेकिन एक्स का मान जीरो से छोटा भर के देखें तो ये कंडीशन फिर भी फॉलो हो रही है, क्या फॉलो हो रही है, जैसे वन बाई टू भर दें, वन बाई थ्री भर दें, वन बाई फोर भर दें, तब भी ये करेक्ट बैठ रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से छोटा हो, ठीक है। आगे चलें, ये सी ऑप्शन तुम्हारा हो गया, ये पीजीटी 16 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, ये बी पार्ट कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू कितना कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट दिस, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस, तो ये कौन सी कंडीशन फॉलो होगी इसमें, थर्ड कंडीशन, हर कंडीशन मैच कर रही है, ये ऑलवेज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है। इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर करें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर जीरो, एक पेयर ये बना एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल जीरो, बेबी कर्व बना क्रिटिकल पॉइंट मिला वन और ये टू, यहां से चले ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये माइनस, क्रिटिकल पॉइंट यहां वन और यहां क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका डोमेन ग्रेटर की बात कर रहा है ये, तो ऊपर वाला रीजन रहेगा ये वाला, ठीक है, ग्रेटर में ये। तो एक्स बिलोंग कहां से करेगा तुम्हारा, माइनस इंफिनिटी से वन और इसके साथ में क्या आएगा टू से इंफिनिटी, ये रिजल्ट सही रहेगा। देखो इंफिनिटी पर क्लोज कभी नहीं आता है और इक्वल है तो क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा, बोले डोमेन भी यही हो गया, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये टाइट पीजीटी 14 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज कर लें, ठीक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, इसको इरेज करते हैं। अब देखें एक और क्वेश्चन बचता है तुम्हारा,
बहुत ही अच्छा, ये ही पार्ट था इससे पहले वो डी पार्ट। अब की पार्ट की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा कंडीशन? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन फॉलो होगी इसमें, ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल। पहली बात, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, चेंज कर दें, माइनस का मल्टीप्लाई कर लें इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इनकुलटी चेंज हो जाएगी, इसके फैक्टराइजेशन हो गए नहीं, डी स्क्वायर नेगेटिव है इसका, तो इसमें धनाचार लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए एक ही जगह बारह है इंटू सी और ये माइनस माइनस कौन टू इंटू तो माइनस टू माइनस टू प्लस माइनस ये आठ चार बारह बारह को लिख सकते हैं टू रूट थ्री, ठीक है। अपन इतना तो आना चाहिए, टू कट गया तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ये मिल, समझ गए बात। ये बारह होगा, बारह को हम क्या लिख सकते हैं रूट बारह और टू रूट थ्री चार दिया बारह, ठीक है ये बात। अब x का मान एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है? एक बार पॉजिटिव लिया तो माइनस वन माइनस रूट थ्री से माइनस वन प्लस रूट थ्री, तो दो ही तो क्रिटिकल पॉइंट मिले इसके, तो ये कहां से कहां तक प्रूव करेगा, लेस की बात कर रहा है लेस इक्वल है, तो देखो ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट मान लो वन माइनस रूट थ्री और ये क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन प्लस रूट थ्री, तो इधर प्लस माइनस प्लस, तो ये ऐसे करके बनाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो लेस की बात कर रहा है तो ये रीजन रहेगा, तो इसका जो डोमेन होगा डोमेन इक्वल टू ये रहेगा माइनस वन से लेके कहां तक माइनस वन प्लस रूट थ्री तक, ये रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। और ये एक्स का ही मान आया तो हमने एक बात बताई थी तुम्हें, कहीं ऐसे करके लिखा हो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन, तो इसको हमने दूसरा नोटेशन तुम्हें ये भी लिखवाया था बोले, तो ऐसे करके ऑप्शन कौन सा सही मैच करेगा या माइनस आएगा, ए ऑप्शन तुम्हारा मैच करेगा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, किसमें, टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप बताएं कोई दिक्कत किसी में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको लगवाए हैं, ठीक है, इसको वाच करें अच्छे से, और अगले लेक्चर में हम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सवाल और बचते हैं इसमें, ठीक है, और ये लॉग वाला एक दो सवाल और बनेगा, ठीक है, तो इनको अच्छे से वाच करिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इन्हें बात करें, ओके बाय।